अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अदिल फैयाजी। अगर आप लोग बरेली शरीफ में रहते हैं या बरेली शरीफ के करीब किसी जगह रहते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस खबर को तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये खबर अपने भाइयों में शेयर भी कीजिएगा। ये खबर आप शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह किसी न किसी के ये काम आने वाली वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान शरीफ का मुकद्दस महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं और इस महीने में एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का रिस्क बढ़ा देता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि बरेली शरीफ के अंदर एक तंजीम है जिसका नाम है दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है और मुहिम ये उन्होंने शुरू की है कि बरेली शरीफ के विभिन्न अस्पतालों में पहुंचकर जो बीमार लोगों के साथ तीमारदार लोग हैं, जो तीमारदार रोज़ादार लोग हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट की तरफ से सहरी का बंदोबस्त किया गया है। यानी ये तंजीम के लोग अस्पतालों में पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद जो है लोगों को सहरी कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना कैफ रज़ा ख़ान कादरी ने बताया कि हमारी तंजीम जिन जिन हॉस्पिटलों में नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों के लिए ये वाला नंबर शेयर किया गया है और उसमें बताया गया है कि जहां जहां ये तंजीम नहीं पहुँच पा रही है तो इस नंबर पर वो लोग, यानी जो बीमारों के साथ तीमारदार लोग रह रहे हैं, रोज़ादार लोग हैं, वो लोग इस नंबर पर रात को 7 बजे से 8 बजे के बीच, यानी 7 से 8 के बीच में कॉल करके इसी नंबर पर और ये बता दें कि भाई रोज़ादारों की इतनी संख्या है, हम इतने रोज़ादार लोग अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तंजीम आपके पास हॉस्पिटल में खाना लेकर सहरी के वक्त में पहुँच जाएगी। चूँकि ऐसा होता है कि अस्पतालों के अंदर सहरी का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन बेचारे वो सहरी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते हैं। चूँकि बीमार के साथ में हैं तो वैसे ही एक तो आदमी परेशान होता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी मरीज़ को देखना, कभी डॉक्टरों की सुनना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदमी रोज़ा नहीं रख पाता है। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहिम शुरू की है कि बरेली शरीफ शहर के अंदर जो हॉस्पिटल हैं इनकी कोशिश है कि हर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचेंगे और जो रोज़ादार हैं उनको सहरी कराई जाएगी। और साथ साथ ये भी बता दिया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह अस्पतालों के साथ साथ दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट मुसाफिरों के लिए, यानी जो बस अड्डों पर और रेलवे स्टेशनों पर जो मुसाफिर लोग हैं, जो रोज़ादार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी सहरी का बंदोबस्त किया जा रहा है। तो ये खबर थी, मैंने सोचा अपने भाइयों के सामने रखूँ। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने भाइयों में शेयर कीजिएगा और आप बताइएगा कि जो हॉस्पिटलों के अंदर हैं सहरी का इंतज़ाम अगर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट के लोग आपके पास पहुंचेंगे और आपको सहरी का पैकेट इंशाअल्लाह देंगे और आप सहरी करें और आराम से रोज़ा रखें। अल्लाह पाक आपके रोज़े को कबूल फरमाए, रमज़ान शरीफ की बरकतों से मालामाल फरमाए और दरगाह उस्ताज़े ज़मन ट्रस्ट को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और तमाम कारकुनान को अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।